ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। आप सुन लीजिए मेरा कहना। देखिए, कश्मीरी प्रॉब्लम का एक और एक ही सलूशन है, दैट इज रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अंडर ए सेक्युलर गवर्नमेंट। हम लोग रीयूनाइट होंगे क्योंकि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, इट इज़ अ फेक कंट्री, आर्टिफिशियल कंट्री। पाकिस्तान क्या है, वहाँ पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये तो मुगलों के ज़माने से देवर पार्ट ऑफ इंडिया, और एक कल्चर है, एक ही ज़ुबान बोलते हैं। मैं बहुत पाकिस्तानियों से मिला हूँ, मुझे लगता ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं लगता। आपसे बात जैसे कर रहा हूँ उनसे बात, कभी आई फील द सेम, वी आर वन कंट्री एक्चुअली, वन नेशन। ये तो अंग्रेज़ों ने चाल चली कि हम लोग को लड़वाओ, कमज़ोर रखो, बट वी आर बाउंड टू रीयूनाइट। तो जब रीयूनाइट हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान, तो कश्मीर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब कि कोलिशन गवर्नमेंट आएगी सम काइंड, और एंड मोर ओवर, इस इलेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी की ज़िंदगी में? क्या गरीबी कम होगी, क्या बेरोजगारी कम होगी, भुखमरी कम होगी, किसानों की आत्महत्याएं कम होगी? कुछ नहीं कम होगा, इट विल मेक नो डिफरेंस। हाँ, एक एक चीज़ ज़रूर होगी कि मुसलमानों की लिंचिंग थोड़ी कम हो जाएगी अगर बीजेपी आ जाए, थोड़े से मुसलमान कम लिंच होंगे, इतना दिस इज़ ऑल द चेंज विच विल हैपन, और कुछ नहीं फ़र्क होने वाला ना। जो देखिए, हर सिस्टम का टेस्ट एक और एक ही होता है कि उस सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं, दिस इज़ द ओनली टेस्ट। उस हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी पार्टी में आए। बातें तो सब करेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, हम पैसा दे देंगे, हम ये दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इलेक्शन प्रॉमिसेस नॉट टू बी टेकन सीरियसली।